सब्सक्राइब कीजिए समथिंग न्यू इंडिया को और प्रेस करें बेल आइकन पे और चूज करें ऑल नोटिफिकेशंस को, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष एंड यू आर वॉचिंग समथिंग न्यू इंडिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ड्यू रिकॉर्डर के सेटिंग्स के बारे में। तो इससे पहले मूव करें आज के वीडियो की तरफ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर का इंटरफेस आपको फोर्थ नंबर पे सेटिंग्स का आइकन आ रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर टच कर देना है। तो जो फर्स्ट सेटिंग है वो है वीडियो रिजोल्यूशन का, तो इसे आपको 1080p पे चूज कर लेना है। तो जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है वीडियो क्वालिटी का, तो इसे आपको 12 Mbps पे चूज कर लेना है। तो जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है FPS यानी फ्रेम पर सेकेंड, इसे आपको 60 FPS पे चूज कर लेना है। तो वीडियो ओरिएंटेशन, इसे आपको, ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने आप वीडियो को शूट कर रहे हैं लैंडस्केप पे तो इसे आप लैंडस्केप पे रहने दें, और अगर आप पोर्ट्रेट पे शूट कर रहे हैं तो पोर्ट्रेट पे यहाँ पे चूज कर ले। तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट पे शूट कर रहा हूँ तो इसे पोर्ट्रेट पे ही रहने देता हूँ। तो रिकॉर्ड ऑडियो, अगर आप चाहते हैं आपकी जो वीडियो उसमें आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड हो तो इसे आपको कर लेना है इनेबल। तो वीडियो लोकेशन, तो जो वीडियो लोकेशन, जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो वो कहाँ पे सेव होगी, वो सेव होगी आपकी SD कार्ड में या फिर इंटरनल स्टोरेज में, जिसे आपको, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कहाँ सेट करोगे। तो मैं इसे SD कार्ड में रहने देता हूँ। इनवर्ट वीडियो कलर, तो इसे आपको डिसेबल रखना है। रिकॉर्डिंग मोड, ये आपको स्टैंडर्ड और बेसिक का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, जिसे आप स्टैंडर्ड पे रहने दें। हाइड द रिकॉर्डिंग विंडो व्हेन रिकॉर्ड, तो इसे आपको कर लेना इनेबल। शेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, फिर आपको अपने रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है तो इस पर टच कीजिए और उसके बाद इसे आप इनेबल कर ले। अगर अपने आप फ़ोन को शेक करेंगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसे इनेबल कर ले। Not close app when you exit the app. Sorry, exit the floating window. तो इसे आप कर ले disable. Disable pop-up notifications after screenshot. तो इसे आप enable रख ले। Countdown. तो जैसे ही आपकी जो recording अगर आपको start करना है तो आपको इसका जो countdown आप इस पर set कर ले, 5 seconds, 3 seconds, 10 seconds. तो मैं आपको advice दूंगा इसे आप 3 seconds पर कर ली अच्छा होगा। हाइड द रिकॉर्डिंग बटन ऑन होम पेज, तो इसे आप कर ले डिसेबल। कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ, तो इसे आप कर ले इनेबल। पॉज रिकॉर्डिंग फॉर इनकमिंग कॉल्स, तो इसे आप इनेबल कर ले, अगर आपकी कोई कॉल आती है रिकॉर्डिंग करने टाइम तो आपकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगी। स्क्रीनशॉट को आप रखे डिसेबल, और जो कैमरा है उसे भी आप डिसेबल कर ले। अगर आप चाहते हैं अपने वीडियो में ब्रश को यूज़ करना तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं, मैं यूज़ नहीं करता इसलिए इसे मैं डिसेबल रखता हूँ। GIF रिकॉर्डर, तो इसे भी डिसेबल रखिए। तो जो यहाँ पे आता है वाटरमार्क, सॉरी उससे पहले शो टचेस का ऑप्शन है, तो आप इसे इनेबल कर ले, अगर आप चाहते हैं आपके टचेस स्क्रीन में शो तो आप इसे इनेबल रख ले। एंड नेक्स्ट आता है वाटरमार्क, तो इसे आप डिसेबल कर ले, जो ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर का वाटरमार्क है वो वीडियो में नहीं आएगा अब जैसे इसको डिसेबल करेंगे। पर्सनलाइज्ड वाटरमार्क फॉर रिकॉर्डिंग, तो इसे भी आप इनेबल रख सकते हो, आप अपना वीडियो में पर्सनलाइज्ड वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। पर्सनलाइज्ड वाटरमार्क फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करोगे ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर से तो आप उसमें अपना वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। क्रिएटर वीडियो एडिटर शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप, लैंग्वेज, और बस ये सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई, वर्जन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो।
तो ये सारे ड्यू रिकॉर्डर के सेटिंग्स, अगर आप इन सेटिंग्स को फॉलो करते हो तो जो आपकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए आपको ये ड्यू सॉरी तो आप मुझे बताइए आपको ये ड्यू स्क्रीन रिकॉर्डर्स के सेटिंग्स कैसे लगे, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।